फ्रेंड्स, वेलकम टू नोमास किचन। आज हम हमारे किचन में बनाने जा रहे हैं हलीम, जो कि बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है खिचड़े से। जैसे खिचड़ा बनता है जौ के साथ और बाकी की दालों के साथ, वैसे ही जो है उसी की सेम तरीके से जो है हलीम बनता है। बट ये जो है बनाने में काफ़ी आसान होता है और जल्दी बन जाता है, तो हम देख लेते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमने कुछ इंग्रीडियंट्स निकाल के रखे हैं। पहले जो है हमने यहाँ पे देखिए तेल निकाल के रखा है, ये एक कटोरी तेल ले लिया है हमने। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 चम्मच, और यहाँ पे जो है दो बड़ी प्याज हमने निकाल के रखी है, ये आप ऐसे निकाल के कट कर लीजिए इसको। उसके साथ साथ हमने चिकन लिया है, ये आधा किलो चिकन है, हम जो है चिकन में बना रहे हैं। आप चाहे तो इसको गोश्त वगैरह में भी बना सकते हैं। और ये चिकन हमने ले लिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर हमने जो है मसाले भी ले लिए हैं, ये 2 चम्मच जो है लाल मिर्च पाउडर है, 2 चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पे जो है ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच, 2 चम्मच जो है हमने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले सकते हैं। और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमने सारे जो दालें हमें रिक्वायर्ड होंगी वो हमने निकाल के रख ली हैं। ये हमने जौ निकाल के रख लिया, तो इसको जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे ये सेक्शन का, तब हम आपको इसके साथ सारे इंग्रीडियंट्स और इसकी क्वांटिटी बताते रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे जो है गोश्त भुनना है, तो पहले इस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम हमारी दालों के साइड पे जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पतीला जो है ले लिया है हमारा, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम जो है इसमें हमारा कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जो है तेल डाल दिया है, अब इसको अच्छे से जो है हम गर्म होने देंगे। तेल जो है वो अच्छे से एकदम गर्म हो चुका है। अब हम जो है इसमें पहले ऑनियंस हमारी ऐड कर देंगे। अब जो है हम हमारी जो प्याज है इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा देर तक जो है फ्राई नहीं करना है, बस इसको जब सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। कि ये हमारी जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल भी हमने ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया है। अब हम जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये देखिए हमने जो है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसको अच्छे से 2 मिनट बस चला लेंगे, और इसके बाद हम जो है इसमें चिकन ऐड कर देंगे हमारी। ये देखिए इसमें हम हमारी चिकन ऐड कर रहे हैं अब, और इसको भी जो है खूब अच्छे से भून लेंगे। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है ताकि जो चिकन की जो स्मेल है वो अच्छे से चली जाए और बिल्कुल भी उसमें स्मेल ना आए चिकन में। अब इसको एकदम अच्छे से जो है हम भून लेंगे। हमारा जो चिकन है वो अभी भून रहा है, इसके साथ साथ जो है हम मसाले ऐड कर। अब जो है हम अच्छे से चिकन के साथ इसको सब मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो गोश्त है वो कितने अच्छे से भुन रहा है, बट अभी हम इसको यहाँ स्टॉप नहीं करेंगे, इसको बहुत ही अच्छे से हम भून लेंगे। और क्योंकि हमें जो है हमें हमारा चिकन जो है वो एकदम रेशा चाहिए, बिल्कुल भी इसमें जो है बोटी नहीं रहेगी। हलीम में एकदम अच्छे से ही जो है सब जो हमारी चिकन है वो मैश हो जाएगी, तभी जो है हलीम खाने का मज़ा आता है। ये देखिए आप ये अभी भून रहा है मसाले के साथ, इसमें हम पानी लगा लगा के इसको और भूनेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर दीजिए और इसको देखिए अब हम भून लेंगे। इसको जो है हमें चिकन को एकदम ज़्यादा सॉफ्ट करना है, और जैसे ही हमारी चिकन सॉफ्ट हो जाएगी हम जो है इसकी हड्डियाँ जो हैं वो निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हड्डी एकदम ज़्यादा सॉफ्ट हो गई तो फिर वो मुंह में आएगी टूट के। तो जैसे ही हमारा जब हो जाएगा एकदम भुनाई अच्छे से हो जाएगी, तो हम इसकी जो है हड्डियाँ अलग निकाल लेंगे और चिकन इसी में ही रहने देंगे, ताकि जो बाकी की कसर है वो भी इसमें पूरी हो जाए और एकदम अच्छे से जो है चिकन एकदम सॉफ्ट और बस मेल्ट हो जाए, बिल्कुल रेशा हो जाए। तो उतने तक हमको इसका प्रिपरेशंस करने हैं। वैसे जो है हमारी चिकन यहाँ पे जो है अच्छे से गल रही है, इसको हमने ढक के पकाने रख दिया, एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तब तक जो है हम यहाँ पर दाल का जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो है 100 ग्राम उड़द दाल ली है, ये देख सकते हैं आप 100 ग्राम उड़द दाल है। 100 ग्राम हमने जो है मूंग दाल ले ली है, और 100 ग्राम ही हमने जो है यहाँ पे मसूर की दाल ली है, और यहाँ पे 100 ग्राम चावल लिए हैं हमने। ये चारों चीज़ें हमने 100 ग्राम ले ली हैं।
यहाँ पे जो है चने की दाल 200 ग्राम ली है हमने, ये आप देख सकते हैं ये चने की दाल है। उसी के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं हमने जो है जौ की घाट ली है 250 ग्राम और गेहूं की घाट जो है हमने वो 250 ग्राम ले ली है। और इसको हमने ओवरनाइट जो है भिगा के रख दिया था। ये आप देखिए ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए इसको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए टूट रही है, ये एकदम सॉफ्ट हो चुकी है। ये हमने ले ली है और अच्छे से भिगा दिया था इसको। ये सारी दालों को भी हम धो के जो है इसको कुकर में डाल देंगे और अच्छे से एकदम सॉफ्ट होने तक, एकदम मेल्ट होने तक इसको पका लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमने जो है हमारी सारी दाल जो है धो के रख ली है, अब हम इसको कुकर में ऐड कर देंगे। ये देखिए अब सारी ऐड कर दीजिए कुकर में दाल। और ये जो सारी दाल है वो कुकर में ऐड होके इसमें जो है थोड़ा सा हल्का सा नमक जाएगा और हल्दी जाएगी कलर के लिए थोड़े से, और बस इसको फिर हम गैस पे चढ़ा देंगे और एकदम अच्छे से जो है सब गल जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और एकदम क्रीमी सा आ जाना चाहिए, एक हल्का सा वैसे ही हमको रखना है। और अगर आपकी दाल फिर भी ज़्यादा थोड़ी बारीक नहीं होती है तो आप इसको अच्छे से घोट सकते हैं चम्मच की हेल्प से, जो कि हम आगे करने वाले हैं। इसको अच्छे से हम जो है मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, इसमें देखिए आप पानी ऐड कर दीजिए। कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कितना पानी ऐड करना है, बस इसके ऊपर तक पानी आ जाए आप उतना ऐड कर दीजिए, ताकि जो दालें हैं हमारी और जो जौ है वो एकदम अच्छे से जो है गल जाए कुकर में। अब इसमें जो है हम हल्दी डाल रहे हैं, देखिए अराउंड 1 चम्मच जो है हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। आप देख सकते हैं इससे बहुत ही अच्छा जो है कलर आएगा दालों को हमारी। और उसी के साथ साथ हम जो है यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हमने नमक ऐड किया है, बिकॉज़ हमने गोश्त में भी ऐड किया है नमक, तो इसमें हम कम ऐड कर रहे हैं। इसमें भी आप अपने टेस्ट अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, बहुत ही कम नमक इसमें जाएगा, जस्ट टू गिव अ टेस्ट सारे दाल को। और अब हम इसको जो है ढक के पकाने रख देंगे। ये देखिए आप ये जो ट्रिक है वो आजमा सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है तेल लिया है, ये तेल हम जो है इस साइड पे लगा देंगे ताकि जो हमारी जो दाल है उसका पानी ज़्यादा बाहर ना निकले। ये आप ट्रिक अपने घर में आजमाइए। कभी कभी क्या होता है जब हम दाल बनाते हैं तो उसमें पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसकी वजह से सारी जो दाल है वो बाहर आ जाती है। बट अगर आप यहाँ पर जो है अच्छे से तेल से ग्रीस कर देंगे तो आपका जो दाल का पानी है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। और अब हम जो है इसकी सीटी लगा के इसको रख देंगे कुक होने के लिए। हमारा गोश्त एकदम अच्छे से भुन चुका है, इसको अभी हम और नहीं स्टॉप करेंगे, इसको और ज़्यादा भूनना है हमें। बट उससे पहले हमें एक काम करना है, ये जो आप रोगन देख रहे हैं ऊपर ये जो है हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इस रोगन में दाल ऐड करेंगे तो ये सारा रोगन ख़त्म हो जाएगा और हमें ये रोगन जो है वो आगे के लिए सेफ रखना है, ताकि हम इसको ऊपर से सर्विंग के टाइम डाल सकें। तो ये देखिए इसलिए हमने जो है इसमें ज़्यादा पानी डाल के इसको कुक किया था, ताकि इसको हम अच्छे से हमें रोगन मिल जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमें एकदम पतला पतला जो है रोगन मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि जो है अच्छे से सर्व करने के टाइम हम इसको यूज़ कर सकें। आपको मसाला नहीं लेना है, बस आपको जो पानी और ऑयल है वो सेपरेट करना है। ये देखिए बिल्कुल भी उसमें मसाला नहीं आ रहा है, सिर्फ लिक्विड है, तो ये आपको अलग कर लेना है। इसके लिए आपको जो है ज़्यादा पानी डाल के चिकन को भूनना पड़ेगा, ताकि आपको भी ऐसा सेम रोगन जो है वो मिल सके और ये ख़त्म ना हो जाए रोगन, इसलिए हमने इसको निकाल लिया है। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे इसमें हम हड्डियाँ अलग करेंगे, और हड्डी में जो गोश्त वगैरह कुछ रहेगा उसको भी हम निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, इसी में रहने देंगे। ये देखिए चिकन जो है बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आपको लगे कि आपकी चिकन सॉफ्ट नहीं हुई है तो आप इसको वापस से गैस पर रख के अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं, हल्का सा पानी डाल के आप सॉफ्ट कर लीजिए इसको। वैसे तो जो चिकन है वो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है। अगर ये कुछ जो है सॉफ्ट नहीं होती है तो हम इसको दाल में जब ऐड करेंगे तब अच्छे से इसको मिक्स करते वक्त हम सॉफ्ट कर लेंगे। और अगर चिकन जो हम हड्डी निकालेंगे, हड्डी में थोड़ी भी चिकन रहेगी वो भी हम जो है निकाल के इसी में ही रहने देंगे और हड्डियों को अलग सेपरेटली रख लेंगे। देखिए ये जो हमारी दाल और घाट थी वो एकदम अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं।
और अभी इसको जो है हम अच्छे से घुटाई करेंगे इसकी, ताकि और मैश हो जाए एकदम प्रॉपरली। और अभी ये जो है मैश नहीं हुई है, तो इसको भी मैश कर लेते हैं। और यहाँ पे चिकन भी हमारा रेडी है, इसमें से हमने जो है हड्डी निकाल के अलग सेपरेटली रख ली है। तो अब हम इन दोनों को जो है अच्छे से इसकी हेल्प से हम घोट लेंगे, एकदम प्योर एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। और एकदम अच्छे से जो है ये सब मैश हो जाएंगी दालें, तो वो करना स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए हम जो है एक बड़ा पतीला लेंगे, ताकि हम अच्छे से सब चीज़ को जो है मैश कर सकें। हमने जो है बड़े पतीले में हमारी दाल और घाटे ट्रांसफ़र कर ली हैं। अब इसको हम अच्छे से घोट लेंगे, ताकि जितना भी जो इसका जो खड़ी दाल जो भी है वो सब एकदम अच्छे से मैश हो जाए, और बहुत ही एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। तब तक इसको घोट लेंगे। और यहाँ पे जो है हमने चिकन भी घोट के रखी है, इसको और घोट के हम इसमें ट्रांसफ़र करके फिर वापस और घोटेंगे। पर पहले ये हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको चिकन को भी इसमें ऐड करके वापस एक बार कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, इसको बड़े बर्तन में लिया है हमने, ताकि ये एकदम अच्छे से मैश हो सके। और ये आप अपने घर में जो है ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप खिचड़ा बनाना चाहते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये ज़रूर बना सकते हैं। ये ऑलमोस्ट खिचड़े की तरह टेस्ट करता है। इसमें भी इंग्रेडिएंट्स वही जाते हैं, बस खिचड़े से कम टाइम लगता है इसको पकने में, और बहुत ही क्विकली बन के रेडी हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी घुटाई जो है वो अभी चालू है। ये देखिए, ये हमारी अच्छे से जो दाल और घाटी वो घुट चुकी है, आप ये देख सकते हैं। अभी भी जो है इसमें थोड़ा बाकी है, तो वो हम जो है अब हम चिकन इसमें ऐड करेंगे, और इसको वापस से अच्छे से घोट लेंगे। ये देखिए, इसमें हमने चिकन जो है वो ऐड कर दी है। चिकन के आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रेशा हो चुकी है। अब हम इसमें भी इसको ऐड करके एकदम अच्छे से जो है घोट लेंगे, तो जो चिकन है और जितने भी दाल वगैरह है वो सब एक साथ मिक्स हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, और अभी जो है स्मेल बहुत ही अच्छी आ रही है किचन में से, और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ये अभी से। तो इसको अच्छे से हम जो है घोट लेते हैं, ताकि जो चिकन है और जो दाल है वो सब एक साथ सेपरेट ना हो और एक साथ हो जाए वो। ये देखिए, आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है, और जो चिकन है वो एकदम रेशा हो गई है, और बहुत ही जो एकदम सॉफ्ट हो चुकी है, तो जो खाने में है वो बहुत टेस्टी लगता है जब ये सब चीज़ें एक साथ जो हो जाए। अगर आप चिकन के अलावा कुछ और ले रहे हैं, जैसे कोई भी बकरे का गोश्त ले रहे हैं, आप कोई गोश्त ले रहे हैं, तो आप इसको जो है सेम ऐसे ही तरीके से बनाइए। बस चिकन को आपको और ज़्यादा अच्छे से गला लेना है, और फिर इसमें ऐड करना है, ताकि जो है एकदम अच्छे से हो जाए। और उसमें भी आपको ये श्योर करना है कि आपकी जो गोश्त है वो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, एकदम रेशा हो जाए, बोटियाँ ना रहें, ताकि आपका जो हलीम है उसके हर बाइट में आपको जो है गोश्त मिल सके अच्छे से। तो ये हमारा जो है हलीम बन के रेडी हो चुका है, बस इसको हम थोड़ी सी घुटाई करेंगे, और फिर इसकी जो है हम प्लेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारा हलीम बन के एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है इसका, और बहुत ही गाढ़ा भी है ये। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए, तो आप इसमें पानी ना ऐड करें, इसको जो है सूखा सूखा पकाएं। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम इसमें जो है, हमने यहाँ पे जो है ऑयल बचा के रखा था, जो हमने आपको दिखाया था, हमने रोगन निकाला था, वो अब हम इसमें जो है ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। ये देखिए, यहाँ पे हम जो है वो रोगन ऐड कर रहे हैं। इसमें भी जो है चिकन का जो है बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, मसालों का फ्लेवर होगा, क्योंकि ये कुक हुआ था एकदम अच्छे से मसालों के साथ, तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होगा, तो आप ये ऐड कीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने देखिए गरम मसाला निकाल के रखा है, यहाँ पे हम गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है हमने ये देखिए फ्राइड ऑनियन जो है, बरिस्ता जिसको कहते हैं, वो हमने बना के रख लिया था पहले से, तो आप भी अपने किचन में आराम से ये पहले से बना के रख सकते हैं, और जब भी आपको यूज़ लगे आप इसको जो है यूज़ में ला सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इस पे जो है बरिस्ता ऐड करेंगे। हलीम के साथ जो है बरिस्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है, बेस्ट जो है कॉम्बिनेशन होता है हलीम और बरिस्ता का। तो आप जब भी हलीम बनाएं, तो उसके साथ बरिस्ता ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और अब जो है यहाँ पे हमने अदरक के जूलियंस कट करके रखे हैं, वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये
देखिए ये हमने अदरक के जूलियन जो है ऐड कर दिए हैं इसमें, और लास्ट में हम जो है इसमें नींबू ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने नींबू कैसे पीस करके यहाँ पे रख लिए हैं, क्योंकि नींबू और जो बरिस्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो डिश है वो बन के प्रिपेयर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी लग रही है ये। तो इसको आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।